गाइस नमस्ते सलाम एंड सत श्री अकाल, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग पे। आज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप सबको कुछ नया और कुछ खास आप सबसे शेयर करूंगी, और आप कुछ ऐसे जगह लेकर जाऊंगी जहां पर मैं कुछ खाने की चीज हो आपके साथ में, या फिर आपको आपसे शेयर कर पाऊं। वैसे आज मैं एक कैफे जा रहा हूं, वैसे आज मैं वहां आप सबको लेकर जाऊंगी और आप सबके साथ में वहां जाकर कुछ खाकर या फिर पीकर आप सबके साथ मैं आज दिन बिताऊंगी। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए। हेलो वेलकम बैक गाइस, तो चलिए अपनी मंजिल की ओर हम चल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कैफे, तो आप सब से अभी मैं चलकर जा रही हूँ, तो थोड़ी देर चलकर उधर से गाड़ी ले लूँगी, तो वहाँ पहुँचकर आप सबको फिर से अपडेट करूँगी तब तक के लिए। तो गाइस ये है हमरा दीदी, ये हमारा दीदी है, इसका नाम संगला है। मैं दीदी के घर आई थी सुबह, सो वहाँ से खा पी कर पेट पूजा कर आराम कर अभी मैं निकल रहा हूँ, एक कैफे में जा रही हूँ। तो कुछ खाएंगे, आप सबको भी शेयर करेंगे। तो आप लोग सब मेरे साथ बने रहे अभी। तो गाइस हम ऑटो में बैठ गए हैं, तो अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो अभी हमारा सफ़र शुरू होता है हमारे मंजिल की ओर, तो एंजॉय कीजिए। अभी मैं आपको यहाँ का गली नुकड़ रास्ते पूरा दिखाता हूँ। थक गई हूँ कैफे ढूंढ ढूंढ कर, बहुत दूर है घर से और ऊपर से रास्ता भटक गई थी यार। चलते चलते मेरे बाल भी झाड़ू जैसे बन गए हैं। अभी चल के देखते हैं, अभी पहुँच गए हैं। दूसरों से पूछ पूछ कर हम लोग यहाँ कैफे बहुत दूर से पूछताछ करते 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 यहाँ पहुँच गए हैं। अभी चल कर देखते गाइस कैफे ढूंढते ढूंढते हम लोग दूसरे डायरेक्शन पर आ गए हैं, शायद गूगल ने भी हमें भी चूना लगा दिया है। हेलो गाइस, तो ये है जो मैं पहले से ढूंढ ढूंढ के इतने दूर भटक भटक के जो रेस्टोरेंट को ढूंढ रही थी, ये है बिग कैफे, बिग कैफे। सो गाइस अभी मैं इसके अंदर कैफे के अंदर जाऊंगी और देखूंगी यहाँ पर क्या क्या मेन्यू में है। सो गाइस आप लोग सब मेरे साथ बने रहे और अभी मैं जा रही हूँ अंदर। Sorry. It's okay, no problem. है हमारी बहना जो दिल थाम के बैठे हैं खाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आ जाएगा, तो आप लोग सब फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑर्डर किया है कॉम्बो फ्राइड राइस और चिकन चिली एंड मोमो एंड नूडल्स। ये देखो हमारा मसाला चाय कैसा है, बढ़िया, कलर भी बेहतर लग रहा है, पीने के बाद पता चलेगा कि कैसे है। ये हमारा दीदी है, हमारा दीदी बड़ा ही बिजी है, वो बहुत बिजी है। तो गाइस शुरू करते हैं।
मोमोज खाया। वैसे मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है, बाहर का खाना मेरे से पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा वेस्ट कर दिया है, इसके लिए सॉरी। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए गाइस, हमें खाना वेस्ट नहीं करके खाना चाहिए, मगर मैंने आज वेस्ट कर दिया है, मैं इतना नहीं खा सकती हूँ बाहर का खाना। हेलो गाइस, मैं सुबह से ब्लॉगिंग कर करके भटक भटक के बहुत थक गया हूँ, अभी मेरा पेट पूजा हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ। सो गाइस, ये है यहाँ के बी कैफे के स्टाफ बहुत प्यारे हैं। चलो गाइस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, तब तक बने रहिए, अच्छे है ना कैफे, आइएगा ज़रूर, आइए और विजिट कीजिए हमारे दिमापुर नागालैंड के कैफे में, छोटे बट बहुत खूबसूरत है, खाना भी अच्छा है। चलो, हो गया मेरा खाना साना, मेरा पेट पूजा हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ अपने कुटिया में। तो गाइस, आज के लिए इतना ही ब्लॉग, आज के लिए इतने ब्लॉग बनता है। सो फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में, लेकिन फिर भी ज़रा वेट कीजिए, मैं आप सबको मैं दिमापुर भी दिखाता हूँ। चलो, दिमापुर सिटी देखेंगे आप सब। आज के वीडियो में इतने ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।